अच्छा मैं गया इस पर और रेपोजिट्रीज के बाद इंस्टीट्यूट। अगर मैं रिएक्ट जेएस के फोल्डर में जाऊं तो मेरे पास दिख रहे हैं क्लास 1 क्रेड और हेलो वर्ल्ड। क्लास 1 क्रेड हेलो वर्ल्ड, ठीक है, सही है। अब मैं जाता हूँ हेलो वर्ल्ड में, ये सब दिख रहा है, 1 2 3 और 4 फाइलें, 3 फोल्डर 4 फाइलें। हेलो वर्ल्ड 2 फोल्डर 4 फाइल, ठीक। अच्छा एसआरसी अहमद फोल्डर पड़ा हुआ है एसआरसी में, क्लास टॉपिक कंपोनेंट इमेजेस टू डू। अहमद फोल्डर ही नहीं, प्राइवेट नहीं किया कुछ और कैसे, जब आप एक रेपोजिटरी को बिल्कुल बाहर से कर रहे हो कैसे, मुझे बताओ ना। अगर गिट के एक्सपर्ट हो तो मैं तो यहाँ से कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ से तो सब जाएगा, वही तो कह रहा हूँ। नहीं 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 यहाँ नहीं मैं तुम्हारे सामने भी करता हूँ, तुम्हारे सामने भी करता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे गया अभी बाहर टेक्डोन इंस्टीट्यूट में, भाई हर चीज तो नहीं बताते ना। नहीं ये हर चीज नहीं बताते, रियलाइज सर, कल को हमें भी कोई ऐसा एक फाइल को प्राइवेट करना हो, बाकी सब को पब्लिक हो। गेट स्टेटस गेट एड डॉट गेट वहां से यहां से बाद वहां पर ड्रॉप हो जाता है, मैं तो ऐसे ही करता कमिट डैश एम हूं। क्या कहां से जब गेट कमिट स्लाइडर फंक्शनैलिटी अपडेट। आप क्या क्लिक करो दो फोल्डर पेस्ट करना, मैं तो ऐसे ही करूँ, मैं ये नहीं करूँ। मैंने गेट पुश देखा ही नहीं यार ये, वो जब वहां पर हम कोई मूव उसमें क्रिएट ओ आर आई जी आई करना एन या दूसरा ऑप्शन एम ओपन एस करके ये लिखा हुआ क्या क्रैश और कर कुछ दिया। चले जाओ सही है, हो गया, तुम्हारे सामने अपडेट करा है, आप जाते हैं। अभी भी आएगी, वो पूरा फोल्डर ही है टेक जोन इंस्टीट्यूट पे गए तो और एक दफा दोबारा रिफ्रेश किया, 30 30 सेकेंड अपडेटेड, फंक्शनैलिटी अपडेटेड। हम देख लेते हैं एक दफा कमेंट क्या लिखा था, ऊपर गए गिट कमिट डैश एम फंक्शनैलिटी अपडेटेड, यही कमिट है, यही कमिट आ रहा है। रिएक्ट जी आप बताएं या क्या हो इस नहीं वो नहीं मैं बताऊंगा। बात पे कौन सा हेलो वर्ल्ड एस आर सी कौन सी चीज है तो आपको लगना नहीं लगता बहुत सारी चीजें होती हैं, फिट चाहिए तुम्हारे कौन वही तो सी बोला पार्टी कोर्स का पार्ट नहीं है, तभी तो कुछ चीजें सीक्रेट रहने दो। हाँ या आप सीखोगे अगर चले आप वहां पे ना बताएं चलो जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगी। तो देख क्या हमारे दिमाग में ऐसी इमेज तो बनेगी क्या ऐसी चीज हो सकती है, आप एक्यूरेट चीज ना बताएं लेकिन एक हिंट तो दें कि क्या हो सकता है। यार बहुत आसान काम है, तुम वो आसान है बता पर तो फिर जब तक कर चलो बता देता। गिट इग्नोर की फाइल में फोल्डर का नाम लिख दो, वो नहीं है। जो फाइल नहीं चाहिए ना, या नाम लिख दो। अब ये देखो ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है, ये चीजें नहीं अपलोड करूंगा मैं, ठीक सही है। तो ये वो शो नहीं हो, और ये बहुत यहाँ सारे पर फोल्डर का नाम लिखे लिखे हैं। बड़ी काम था कि जी मतलब बिल्कुल, ये देखो मैं अगर इसमें जाऊं आपके पास, मैं इसमें गया और गिट इग्नोर, मैंने यहाँ लिखा हुआ है अहमद फोल्डर, अहमद फोल्डर पी एन डॉट जे एस डॉट पी एन पी कवरेज बिल्ड, ये लोकल, ये सारी चीजें मेरी हैं, ये आपके पास शो नहीं करवानी है। तो ऐसी कोई चीज अगर आपको नहीं दिखानी ना किसी को, या किसी के साथ रेपो शेयर करनी है, लेकिन तुम चाह रहे हो कि किसी फाइल में मेरा सीक्रेट कोड पड़ा हुआ है या तुम्हारे पासवर्ड क्रेडेंशियल्स पड़े हुए हैं, नहीं दिखाने, फाइल का नेम अपलोड कर दो, इधर रख दो। एक्सेस कैसे करेंगे, कर सकते हैं एक्सेस। किसी अच्छे भी नहीं कर सकते यहाँ से, मेरा लैपटॉप या तो कोई ले जाए, हाँ वो बस तो ठीक है। चलिए सर अब हम आते हैं स्लाइडर। स्लाइडर पे आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई इमेजेस का मसला जिस चीज के साथ हो रहा था वो तो बड़े अफसोस की बात है,
देखिए, तो हमारे पास सिर्फ आपके पास जिसके पास सिस्टम है ना उसके पास शो होगा। अगर आप गिट क्लोन भी करते हो, कोई रैप को क्लोन करते हो तो नहीं आएगा। फिर वहीं वहां पे तो आएगा कैसे? या तो मुझे आके वहां से हटाना पड़ेगा। सही, चलो आते हैं। हम गए, इसको आपको बंद कर दे, फाइनल सीएलएस। एनपीएम 60। चाहिए ये क्या कह रहा है? सही है, एनपीएम 60 गलत गलत। हाँ बोलो, मंगवा लिए। हाँ वो तुम लोगों ने बोला था कुछ, बोला बाकी से किसी ने नहीं बोला। था सही है, कोई इशू नहीं। ठीक किसी है, मैंने फोन को तो 8 को बोला सर अरेंज करा दे तो काफी देखते हैं सर कौन सा वाला आपने कौन सा यूज करा है? हाँ जैसा उसको देखा उसके बाद मैंने ये कोशिश की तो अरे इसको मैप में शो करवाना है इसको कैसे शो करवाना चाहिए तो सही है। वो उसने इंडेक्स 0 दिया उसके आगे डॉट इमेज लगाए को एस आर सी का वो आगे मैंने सोचा अगर ये आ जाता है कोई टाइटल भी आएगा फिर टाइटल भी डाल दिया फिर बस वो काउंटर जो है ना तुमने ट्राई करा? हमारा नहीं हुआ। उस पर मतलब क्लिक जैसे उसको एनपीएम जीरो वन स्टार्ट। मिलता है फाइल का नाम नहीं तो मैंने हेलो वर्ल्ड फोल्डर है वो चेंज करूंगा मैं, अभी तुम लोगों के लिए चेंज कर दूंगा। सर वो जो आपने वीडियोस बनाए मैं सोच रही हूँ आपने जो हमारी क्लास की वीडियोस ना बार बार इसी में बोल रहे कि देखो वीडियोस और ये नहीं, सर वो आपकी किसी और बैच की तो पहले देख अंडे वाले बैच वो हाँ आने वाली वाले बैच को हाँ फॉर लूप पढ़ाए डिटेल में, नेस्टेड लूप, इनसाइड नेस्टेड लूप, इनसाइड नेस्टेड लूप। आपका एनिमेशन का भी कुछ जी, एनिमेशन सिखाई थी अपलोड सीएसएस। है वो देखी थी मैं ही इमेज बन रही बस ठीक है ना, अभी वो देखते हैं चीज ना, अभी देखते हैं इससे क्या हो रहा है। सही है, चलो शुरू करते हैं। प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस। आपकी रिस्पॉन्सिवनेस खराब नहीं होगी, परसेंटेज में। ठीक परसेंट है, अच्छा हम जाते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं ऐप राउट्स, क्योंकि हमने ऐप राउट्स में खोलना, स्लाइड और टेस्टिंग हम यूज नहीं करेंगे। ऐप राउट्स सेव किया, क्या शो हो रहा है? हमारे पास ये शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक चौथी नेविगेशन लगा ले स्लाइडर। ठीक है, ऐप आप राउट इन वैल्यू की ना राउट सही है, राउट ये सही मिस्टेक, सिली मिस्टेक। ठीक अब है, सही है, इसको हम इतना कर। कैसे क्या चल रहा इंपोर्ट कराया बता? आप इंपोर्ट करा के जो पहला वेरिएबल है वो आपका एक किस्म का वेरिएबल काउंट होता है। अहमद लिख दो स्मॉल में, ये वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, जो आपने कंपोनेंट का नाम लिखा हुआ है ना, जरूरी नहीं है वो ही नाम उधर आए, अपनी मर्जी का नाम रख सकते। वो तो रिकमेंडेशन है कि भाई वो ही रखो। अच्छा आते हैं, इसको बंद करा। और ऐप राउट्स किधर है? पंचायतें चाहते क्यों है इसमें? ये अच्छा सवाल है, अभी तो शुक्र करो तुम रिएक्ट पढ़ रहे हो अभी। ऐसी वैसी हैं एंड्रॉइड आईओएस। सब कुछ लेके एक साथ करो या तो एक जीएसटी को पहले चीज, करो एक चीज करो। फिर कहा जाता है कि एक तो मास्टर करो तो कुछ नहीं रहेगा अगर प्रिया टीचर तो भी डाल देता हूँ तो जल्दी हाँ नहीं देखो, भूलोगे नहीं, अगर पर डिफरेंट ये आपके डिफरेंट लैंग्वेज, है ये आपके माइंड पे डिपेंड है। हाँ ऐप ऐप तो बिल्कुल ही डिफरेंट है कंपेयर टू ऐप डेवलपमेंट क्योंकि उसमें एंड्रॉइड आईओएस भी कोऑर्डिनेट हाँ इसके साथ में रिएक्ट नेटिव बिल्कुल ही अपोजिट है ना रिएक्ट बिल्कुल अपोजिट नेक्स्ट सर बिल्कुल तो ऑपोजिट काफी भाई, वहां फंक्शनलिटी हमें पर बहुत चीज सिंटेक्स देखने को बिल्कुल मिलती है चेंज सर है। और वो ऐसा भी
नहीं, रिएक्ट बंदा भूल कहाँ जाएगा 6 महीने रिएक्ट नेटिव पे काम करके, वेब भूल जाएगा। भूल जाएगा। नहीं, वेब पे काम करना, HTML CSS का कोड लिखना ना, थोड़ा सा भूल जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलेगा। लेकिन वो क्योंकि मोबाइल पे शिफ्ट हुआ हुआ होगा तो वो ये डिजाइन बनाना भूल टेक्निकल जाएगा। काम थोड़ा सा, लेकिन ये होगा कि जिसकी बेसिक्स क्लियर होगी तो वो भूलेगा नहीं, नहीं भूलेगा कुछ उसको नहीं, थोड़ा बहुत जैसे होता है हाँ तो हमें जरूरी होना चाहिए कि रियलिटी नहीं जरूरी नहीं। नहीं। आपने मोबाइल पे नहीं जाना तो नहीं, आपके लिए जरूरी नहीं है। भी हो सकता है ठीक है, तो यहाँ पर हम, हमारे पास कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में स्लाइडर, स्लाइडर में एक फाइल बना लेता हूँ, SLIDER.js, सही है? तो आपने बनाया होता है स्लाइड। अच्छा नहीं यार, वो मेरा अपना है, वो थोड़ी दिखाना है। करके दिखाने में और उसको एक्सप्लेन करने में ना फर्क है, सही आपसे बात करता हूँ, है मैं ना? आपको बनाया फीडबैक नहीं, तो वो मैं स्टूडेंट जो है ना, देखो फीडबैक बात आपको चाहिए। सुनो, मेरी बात सुनो, इतनी क्लास में मैंने कोई इतना कुछ करना सिखाया, आउटपुट नहीं मिला ना फ्राइडे को, सही तो है? तो इससे आप नहीं, उनका भी मसला नहीं है, बैक बेंचर्स अलग लेवल के पोजीशन होल्डर होते हैं भाई, बैक बेंचर अलग लेवल के पोजीशन होल्डर होते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया स्लाइडर कंपोनेंट, थोड़ा चेंजिंग सही है? अच्छा, एस एस दिस, और इसको हम हटा देते हैं, फ्रैगमेंट, और इसको भी हटा दिया, दिस, सही है? बेसिक कंपोनेंट हमारा रेडी है। H1, इमेज स्लाइडर इन रिएक्ट जीएस, ठीक है? स्लाइडर को इधर से कॉपी करते हैं, सेव, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इधर लाया मैं SLI स्लाइडर .slash slider, ठीक है? ये इधर से मिल रहा है, बिल्कुल सही मिल रहा है। और यहाँ पर आए राउट्स, इसको कॉपी करा, सी, इसको किया स्लाइडर, और SLIDER स्क्रीन, सेव, कोई बात नहीं, नहीं शो हो रहा। अगर मैं इसको उठा कर सी अच्छा स्लैश दिस, सही है? स्लाइडर पे ये नहीं चाहिए, ठीक है? थोड़ी देर के लिए नहीं चाहिए ना, तो नेविगेशन को बंद कर देते। नाइस, ओके। नहीं, वो मैंने ऐसे ही बंद करी है। आप जब काम करोगे आप तो प्रॉपर नेविगेशन रखोगे ना, तो बस अभी मुझे चाहिए नहीं तो मैंने बंद कर दिया, ठीक है? ओके, यहाँ तक का हमारा काम बिल्कुल सही है, सबको यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इमेजेस का फोल्डर लेकर आता हूँ मैं, इमेजेस का फोल्डर आपने कहीं रखा था ना, ये रहा, ये क्यों यहाँ रखे हुए हैं? ठीक है, पहले से रखे हुए होंगे, चलो ऐसा करते हैं, यहीं से मंगवा लेते हैं, ठीक है? तो आप थे नहीं क्लास में? करा हाँ, तो ये नहीं नहीं थे उस क्लास में? पहले से कंट्रोल कंट्रोल ए कंट्रोल सी। अच्छा देख लो भाई, सारे कि सबको, सबसे तो ज्यादा मसला सबको इमेजेस के इंपोर्ट कराने में था। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नोट कोई इंपोर्टिंग इमेजेस, इंपोर्ट IMG_1,
फ्रॉम दिस, इस तरह इमेज इंपोर्ट होगी। ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स अभी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोगों को आने चाहिए। रूट डायरेक्टरी पर कैसे जाएंगे? डॉट स्लैश। लगा नहीं अबे भाई मैंने बोला था कस्टम फंक्शनैलिटी से बनाना है। कर सकते बिल्कुल ना। सही है। मैं तुम्हें रिएक्ट की ऐसी ऐसी लाइब्रेरी बताऊं ना स्लाइडर की, तुम बोलो कभी स्लाइडर बनाऊंग भी नहीं। तो वैसे भाई भी आप फिर अपनी फंक्शनैलिटी को कैसे टेस्ट करोगे? टेस्ट अगर कर लिया वो कैसे यूज कर सकता। देखो मेरे सर ने बोला था जब बहुत एक्सपर्टीज लेवल पे चले जाओगे ना तब सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे। अब मैं इस वजह से कॉपी पेस्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा ये जो बता रहे हैं उधर बहुत किस्म के स्लाइडर मिल जाएंगे, एनपीएम वाली सर जो वो वेयर हाउस है ना इनका, वहां पे आप स्लाइडर लिखो 1000 खुल जाएंगे। वो भी एचडी बन गए। वही बेक है, वही कह रहा हूँ। हाँ क्या कह रही हो आप? क्या प्रॉब्लम हुई थी कर करने की वो आप नहीं कह एक्सटेंशन नहीं लगा रही थी और आप ऑब्जेक्ट में ले रही थी। सर। पता क्या क्या था इमेज का जो नाम लिखा था ना जैसे IMG स्पेस वन वो स्पेस थोड़ी है नहीं लिया स्पेस गया कभी भी नहीं लेगा। तो वो भी मैंने दूसरे किया था तो आ गई थी। ठीक है, फोल्डर से बाहर कैसे जाएंगे? डबल डॉट स्लैश, डबल डॉट स्लैश। और इधर देखते हैं हमारे काम का कुछ नहीं है, इससे भी बाहर जाना है। डबल डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश। ओके क्लियर है। इस तरह हमारी इमेज इंपोर्ट होगी रिएक्ट में। इसको 5 कर लेता हूँ, 3 4 5। ठीक है, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक हर किसी में चेंज है। 2 3 4 5। टू थ्री फोर फाइव इमेजेस मैंने इंपोर्ट करा ली, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है भाई? ऐसे इमेज इंपोर्ट होती है। ठीक है, पहले एक इमेज रेंडर करा के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी इमेजेस में मसला है। IMG किसमें? आप क्या तो लाइफ में भी ऊपर जाते जाते पंचायत ही है, छोटे से सही थे। होता नहीं, होता कल है, लेकिन वो नए नए तरीके ला रहे तो वो यूज करो, मॉडर्न तरीके। ये बोल रहे कि और भी तरीके हैं वो इमेज रेंडर कराने के। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। कौन सा रिक्वायर सही है, मैंने दिया SRC। SRC में मैंने दे दिया यहाँ पे IMG बस। ठीक है, ऑल्ट इज इक्वल टू IMG, बल्कि राइट नाउ यहाँ पे भी लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक, टाइटल यहाँ पे भी लिख देता हूँ राइट नाउ टेस्ट। देखते हैं चलाकर मेरे ख्याल मेरे पॉसिबल है कि नहीं चले। सेव, चल गया। ठीक है, पॉसिबिलिटीज इस वजह से थी क्योंकि हाइट ऑर्बिट आपको बतानी पड़ती। चलो ठीक है, हम पहले इमेजेस रेंडर कर लेते हैं फिर कंसोल खोलेंगे। ओके हाँ, ठीक वो कर देंगे अभी, बल्कि कर ही देते हैं आपके यहाँ। स्लाइडर डॉट CSS वाली इसकी नहीं, फाइल जैसा अलग वाली फाइल नहीं, क्रेड वाला फोल्डर अलग है। काम हेलो वर्ल्ड ये हेलो वर्ल्ड वाला फोल्डर है, देखो रिएक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है स्टार्टिंग का जी, पहला पहला वाला जो फोल्डर है, अगर आपने इधर आके देखना है तो कंट्रोल शिफ्ट टी, टैग जोन के अंदर जो रिएक्ट है, रिएक्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड में हो। ठीक है सही है। अच्छा, उसके बाद गए हम भाई मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग ऑर्डर सेव। तो ये वो गूगल से देखना भाई, नोट एक्स्ट्रा मार्जिन पैडिंग और जो बॉक्स साइजिंग की सर डिफॉल्ट स्पेसिंग आ रही थी वो कंट्रोल हुए थे। नहीं लगाते आती यार, किस पर लगाते बॉडी पर नहीं नहीं सर आएगी, कभी भी नहीं आएगी।
अच्छा अच्छा जो इमेज थी, तो 100% सारी उसके नजर आ रहे होंगे। अच्छा इंडेक्स की फाइल, सीएसएस की फाइल, इसमें कैसे इंपोर्ट करेंगे? इंपोर्ट बस डॉट स्लैश /SLIDER.css, बस फाइल का नाम लिख देंगे। अगर हम जो जिस फोल्डर के केसेस अप्लाई करते हैं तो हम फिर रूट वाली तो फाइल में उसका लिंक देंगे ये रूट फाइल तो है? डॉक्यूमेंट। नहीं, रूट वाली फाइल नहीं, जिस फाइल में काम करेंगे सिर्फ वहीं देंगे बस। ठीक, अगर स्लाइडिंग उसकी तो उसी फोल्डर में, और अगर हाँ, पूरी प्रिंट के अलग स्लाइडिंग, अगर मैं कंफर्म प्रिंट के अलग तो स्लाइडिंग अलग फाइल बनाओगे? बनाऊंगा, अलग फाइल बनाऊंगा, नहीं, कहीं नहीं डालना। फाइल सीएसएस की मल्टीपल, चलो एक मल्टीपल की तो मल्टीपल मैं अपनी चीज नहीं दिखाऊंगा, समझ लेकिन मैं अपनी वो जो वर्क है वो बता देता हूँ। जब अगर आपको लगता है कि एक जैसा डबल डबल काम कहीं होना है, उसकी एक फाइल बना लो, वो मेन राउट्स में रख दो, वो हर जगह चलाएगा। ठीक है, बाकी जैसे आपको लगता है कि 10 कंपोनेंट है, सब में अलग काम होना है, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फाइल बनाओ और हर जगह चला दो। आपके नाते रहो। फॉर एग्जांपल काम फैलाने जा रहा है, वो तो चेस का काम है, लेकिन जहां आप पैकेट फाइलों का लोड बढ़ता जा रहा है वो सुनिए क्या नहीं आप नहीं कोई इशू रिएक्शन नहीं है है। वही तो सारे। नहीं भाई, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ये कंट्रोल कर रहा है बड़े जबरदस्त तरीके से। हाँ तो ऑनलाइन कर रहे हैं ना, मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, तो आपके फोल्डर्स के अंदर जो भी फाइलें बनती जा रही है नहीं, वो आपकी केबी से भी जो है ना बहुत गई गुजरी, बहुत कम है, वो इशू करेंगी नहीं, कोई मसला नहीं करेंगी वो। मैं तो अगर आपको अपने फोल्डर दिखाऊं, तो मैं तो हर 2 लाइनों के कोड के लिए अलग फाइल बनाता हूँ। सही करते हैं आप, मैं तो इसी दो लाइनों का एक स्टेटस बार बनाना है, अलग कोड रख लिया, लोडर बनाना है अलग, सिर्फ एक मैसेज दिखाने के लिए अलग। और यहां पे अलग बनाना तो 10 बार सोचना पड़ता है, 10-15 मिलते हैं 10 फोल्डर। कोई बात नहीं, थिंकिंग इन रिएक्ट, और सोचना काम का हिस्सा है। ठीक है, ज्यादा रोटी डालते हैं हमारा हर चलेगा वेबसाइट पे, तो हम उसको राउट में ही रखते हैं बिल्कुल रखा हुआ तो था, तभी तो हर पेज पे राउट आ में रहा है। ही, ये अलग नहीं रखेंगे अलग हम नहीं उसी रखेंगे, में उसी में रख देंगे, हर जगह शो हो जाएगा तो भी चलेगी। नेटवर्क राउट्स में नहीं रखेंगे, जो आपका मेन कंपोनेंट होगा ना, राउट्स से जो आपका सबसे पहले दिखेगा, लाइक ये होम, वहां रखेंगे। बाकी प्रैक्टिस भी करो ताकि खुद भी पता चले। हाँ वाले होता हाँ है ना बटन हो जाती है, इसलिए मैंने अलग से कंपोनेंट बनाया था 8 फीट, लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने दूसरी जो फाइल बनाई है उसके अंदर उसको चला, और जो सर वो मुझे पेरेंट टू चाइल्ड वाला सीन लगाना जो है ना, मुझे लगाना ही नहीं बाद में साइड पे, वो सर। तीनों अलग अलग फाइल में हो हाँ कोशिश करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। सी जाएगा हो। आ जाओ भाई। हेलो, सही बताएगा क्योंकि हाँ सही है, आ जाओ अंदर, सर से बात कर लो। ठीक है, पूछ लो, अगर नहीं चले गए हैं तो फिर तुम भी चले जाओ, और अगर आएंगे जो जो भी रिसेप्शन पे हो ना मैडम, उनसे पूछ लो। ठीक है, आ जाओ भाई। डॉट स्लाइडर इमेजेस, मैनेज को दी हाइट 40 VH, और विड दे दी मैंने इसको क्या? हाँ उससे भी हो जाता, बेस्ट प्रैक्टिस आप क्लास टाइम देके चलो। सर 50%, ठीक है, क्लियर है? ओके, 5 इमेजेस रेंडर करते हैं। नहीं, हाँ विथ जो है VH में देंगे। अच्छा ये VW सही है, परसेंटेज VW एक ही वर्क करेगा।
और अगर इसको भी 50 कर दें तो सही है। अच्छा चलो भाई, अब हम करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी की तरफ आते हैं। हैंडलिंग स्टेट से ठीक है, जब आपको लगे कि आपका डेटा एक स्टेट बनाते हैं, सबसे पहले कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। यार तुम्हें तो अभी शॉर्ट की बात करनी भी नहीं चाहिए, सही बता रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा स्लाइडर डेटा, स्लाइडर डेटा के नाम की एक स्टेट बनाई और ये इसको क्या करेगा, सेट करेगा, सेट स्लाइडर डेटा। ठीक है, जब आपको लगे कि आपका डेटा जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जैसा है ना, तब आप बनाओगे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे थे, सिर्फ इमेजेस हैं फिर भी एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे, तो उसकी जरूरत नहीं थी। टाइटल टाइटल तो मैं बता रहा हूँ ना, जब 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 से टैकल करो, ये रहा 1 ये रहा 2, इससे टैकल करते हैं ना, बस ये दिखा देते हैं, इमेज का पाथ दिखा दो बस खत्म, हमें नहीं दिखाना वो टाइटल वाइटल। भाई 2 3 4 दिखा दो। बिल्कुल भाई, आप ऐसे करके दिखा दो, अगर कोई बोले पाथ दिखाने तो पाथ के वो भी दिखा देंगे। ठीक है, अच्छा उसके लिए आपने सबसे पहले बना दिया यहाँ एक एरे, ठीक है, और उसके अंदर मैंने रख दिया आई एम G1 टू थ्री फोर फाइव। वाले क्यों देंगे ये वाले, जब हमने ऊपर वेरिएबल में रख लिए इंपोर्ट, तो वो वाला नाम क्यों देंगे। नाम और ये वाह भाई क्या भी बात है, सर, मैंने यू पी ट्राई किया था अब देख पहली लिया ना, इस तरह देंगे। ठीक है बार सही है, कोई बात नहीं, आपने एक स्लाइडर डेटा के नाम की स्टेट बनाई और ऑल इमेजेस को एक एरे में रख लिया। ठीक है, इस इमेज को कैसे रेंडर करना था, सबसे पहला टास्क हमारा ये था। ठीक है, सोर्स में आए स्लाइडर डेटा 0, यही चीज है। अब जाके मुझे समझ आया कि हम इस तरीके से लिया है इसको। सर ठीक है, अभी भी हाँ ये तो आ जाएगा 0 ही आएगा, कॉम्बिनेशन लगाएगी। वो मैंने देखी थी मुझे समझ में आया कि हमारे तो जब जान देखते थे अरे मैप लगा मतलब ये हमारा इशू है और हर टाइम लड़ते लोग नहीं मैंने भी इसी तरह तो मुझे ऐसा ना और अरे की नहीं है तो इन दोनों को देख के ये काम किया। सेव करें चलाएं। यस सर सही है, इसको भी ऐसा करते हैं, स्लाइडर इमेज कर देते हैं, स्लाइडर इमेज पी पी सेव किया। क्या आना चाहिए, नेक्स्ट जो 0 पे इमेज है वो आनी चाहिए, मतलब जो 0 पर है वही आ रही है। सक्सेसफुली सब कुछ रेंडर हो रहा है, और हमने अगर कंसोल खोल लिया थोड़ी देर के लिए, कंसोल जब तक खोल रहा हूँ तो इसकी विड्थ को मैं कंट्रोल कर लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 70। सही है, ओके एलिमेंट्स में हम जाते हैं अपना खोल लेते हैं, बल्कि नीचे की तरफ चले जाते, वही सही था। कंपोनेंट्स ठीक है, जब कोई एरर आएगा तो हमें यहाँ कंसोल में दिख जाएगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं स्लाइडर, और स्लाइडर में हमारे पास है स्लाइडर इसको दोबारा ऊपर कैसे करेंगे,
स्लाइडर के ऊपर 100 पर। सही है, ये रहा हुक और ये रहा हमारा स्लाइडर का कंपोनेंट की स्टेट। क्लियर है सबको यहां तक? ओके okay. अच्छा अब आते हैं भाई, जिस जिसने एरे पढ़ा हुआ है एक और स्टेट बनाते हैं। कॉन्स्ट दिस इज इक्वल टू यूज स्टेट। कंप्यूटर यस स्लाइडर इंडेक्स, कंप्यूटर स्लाइडर इंडेक्स नाम देंगे। सी कॉमा सेट स्लाइडर इंडेक्स। एस ठीक है, इसकी वैल्यू दे देता हूं मैं क्या, 0। ठीक, क्यों? सबसे पहले मुझे 0 दिखाना है। क्लियर है? ओके, यहां मैंने दे दिया स्लाइडर इंडेक्स। जबरदस्त, बना बिल्कुल आ रहेगा, सेव किया आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल वही। अभी देखो ना इससे क्या क्या होता है यार, ये बार बार जो ये कर रहा है ना। सही है, अब 0 भी आ गया। और अगर पेंसिल को खोलें तो वो आपका नाम वो भी बता रहा है, स्टेट के नेम्स। ठीक है, सबसे पहले स्लाइडर की फंक्शनैलिटी लिखते हैं। स्लाइडर हैंडलर, स्लाइडर कॉन्स्ट SLIDER हैंडलर इज इक्वल टू दिस। एक ये बना लिया स्लाइडर हैंडलर, जिसमें मैं लिखूंगा स्लाइडर की फंक्शनैलिटी, और एक बना लेता हूं मैं माउंटेड हुक। सही, यूज ऊपर आ गया। सही है, दिस। यहां तक किसी को अगर कोई इशू है तो वो बता दे पहले। सबको क्लियर है? तुम्हें भी क्लियर है? नहीं है? दोबारा देखते हैं। हमने इमेजेस मंगवाई, ये क्लियर है? ठीक है, एक स्टेट बनाई रिएक्ट की और उसका हमने टाइप रख दिया एरे, उसमें इमेजेस रख दी। यहां तक क्लियर है? एक और स्टेट बनाई स्लाइडर इंडेक्स, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने रख दी 0, क्योंकि आपको स्लाइडर जो स्टेट्स होती हैं उनका कुछ बताना पड़ता है। ऊपर वाले में हमने एरे बता दिया, नीचे वाले में हमने 0 बता दिया। क्लियर है? अगर मैंने आपको बताया था एरे पढ़ाते हुए कि जब एरे का कोई आइटम आपने इंडिविजुअल आइटम देखना हो तो एरे एरे के ब्रैकेट्स उसका इंडेक्स दे देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एरे एरे के ब्रैकेट्स और स्लाइडर इंडेक्स में 0 रखा हुआ है, पहली इमेज शो हो रही है। अब क्लियर? ठीक है, ओके। ठीक है, हम आते हैं इसमें। मैंने लिखा लेट स्लाइडर इंडेक्स क्लोन LONE इज इक्वल टू स्लाइडर इंडेक्स। हाँ, मर्जी है ना बनाओ, कंप्यूटर वो देखते हैं ना, अभी देखते लो पहले। ठीक है, एक क्लोन बनाया है, उसमें मैंने क्या रखा हुआ है, जो स्लाइडर इंडेक्स की वैल्यू है। ठीक है, फिर मैंने बोला स्लाइडर इंडेक्स क्लोन में क्या रख दो, इज इक्वल टू स्लाइडर इंडेक्स +1। हर बार में जो वैल्यू आ रही है उसमें +1 कर दो। क्लियर है? स्लाइडर इंडेक्स का क्लोन बनाया और उसमें मैंने ओवरराइड किया, किया हर बार +1। सर इज इक्वल टू, जगह आप कह रहे हैं अगर +1 लिखते थे फिर
वो बोलता जो वाली पहले से पड़ी है ना, सिर्फ उसमें एक ऐड करता, बार बार नहीं ऐड करता। या तो मैं एक काम करता, इसके लिए एक और वेरिएबल रख देता और इसमें स्लाइडर इंडेक्स +1 का, मैंने उसी को ओवरराइड कर दिया, बजाय ये कि कोई दूसरा वेरिएबल रखूं उसी को ओवरराइड कर दिया। अब क्लियर है? ठीक है, फिर मैंने क्या किया, सेट स्लाइडर इंडेक्स और उसमें रख दिया स्लाइडर इंडेक्स लॉन्ग। अब ये होता रहेगा अपडेट। सेट स्लाइडर भी चाहिए जी इतना क्लियर है? पहले 0 थी, अब अपडेटेड वैल्यू जा रही अपडेटेड वैल्यूज है। अब क्लियर है? है। बिल्कुल ठीक है स्लाइडर भाई, क्योंकि अपडेटेड वैल्यू तो स्लाइडर इंडेक्स क्लोन में है ना, इंडेक्स देखते हैं ना, तुम इतना तो देख लो चला के पहले। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं हुआ क्योंकि स्लाइडर इंड हैंडलर को मैंने कॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी लिख लेते हैं कॉन्फिडेंट रह के, सही है, और उसके बाद इसको चलाएंगे। मैं इस पूरे को कट करता हूँ, मैं कोई इंटरवल नहीं लगा रहा, मैं टाइम आउट लगा रहा हूँ। सेट टाइम आउट, ठीक है, सेट टाइम आउट लगाया मैंने। ये क्या करता है, कोई भी चीज आप जो भी इसके फंक्शनैलिटी में दोगे, जो रिक्वायर्ड टाइम है तब दिखाएगा, उसके बाद खत्म, चलता नहीं रहेगा, इसको आपको रोकने की जरूरत नहीं है। इस वजह से मैं टाइम आउट लगा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या लेता है, और टाइम, बाकी भी बताओ यार। और मैंने बोला कि भाई हर इमेज 2 सेकंड तक दिखे, क्लियर? कंट्रोल भी ओके की रिपोर्ट है, ओके की रिपोर्ट है, कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट काम नहीं किया, लॉजिक्स काम कर रही है सिर्फ, कि भाई 2 सेकंड बाद ये चला दो। क्या करो, जो इंडेक्स रखा है उसमें +1 करा दो, कोई इशू तो नहीं है, कोई मसले वाला रोला भी नहीं है। ठीक है, यूज इफेक्ट में आते हैं और इसमें चला देते हैं स्लाइडर इंडेक्स। यार यूज इफेक्ट जो है ना, अभी ये जो अगर अंदर एम्प्टी एरे छोड़ दो ना, तो सिर्फ एक दफा चलता है जब आपका कंपोनेंट माउंट हो जाए, यानी जब एक दफा रेंडर हो गया सिर्फ तब चलेगा। आपका भी क्लियर है? सही है, क्लियर हो जाएगा, एक दफा और समझा दूंगा लास्ट। ठीक है, मैंने इसको बोला कि 1 मिनट इसमें ये हो सकता है कि बार बार एक ही इमेज रिपीट क्या इसमें फायदा क्या है इसका, बार बार एक ही इमेज रिपीट नहीं होगी, कुछ लॉजिक इसका फायदा, तुम लगा दो दे लो, देखो तो सही, मैंने अभी चलाया भी नहीं है, देख दे लो पहले। स्लाइडर हैंडलर कॉल हो गया, ठीक है, क्या होना चाहिए? हाँ होगा आप बताओ ना, वो इसमें बस, और आप क्या कह रही हो, बार बार चलना चाहिए? पेज पेज नहीं, आपका वो एक कंपोनेंट जिसमें ये लगा हुआ है, क्योंकि आपके पेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, फिर दफा चल जाएगा फिर थोड़ी ना एकदम चलेगा। चलने के यानी आप कह रही हो कि इमेज 2 हो जाएगी, 3 नहीं होगी, ये कह रही हो? पूरी 5 इमेज चलेगी फिर नहीं चलेगा। नहीं, आप कह रही हो 5 इमेज हो, ये फिर छठी इसका पे ही नहीं मतलब जाएगा, है इसका, तो मतलब ये कि अपडेट होता रहेगा, होता लेकिन रहेगा। मेरा सवाल और वही आप है लोग कि क्या कह अगर रहे दो हो तक जाएगा क्योंकि ये वन टाइम यार, रेंडर अभी नहीं तो कुछ जाएगा लिखा भी नहीं है, तुम अभी से कंफ्यूज हो गए? सर, मुझे ये बताएं तो यूज इफेक्ट करता क्या है, अबे तुमने प्रॉब्लम देखा है क्या फिर प्रॉब्लम यार, यूज इफेक्ट के यानी चार, पेज खुला, पेज खुलने के बाद जैसे आपने ये इमेज स्लाइडर डाला है, अब इसने इसको पकड़ा और एक बार चलाएगा ना पूरा, बस एक बार चलाएगा पेज को, नहीं सिर्फ तो उस कंपोनेंट कंपोनेंट को। जितनी सर ये तो इमेजेस हैं 5 तक उतनी बार जाएगा, चला देगा क्योंकि वहां पर +1 हाँ ये जब 5 तक तक इमेजेस जाएगा, खत्म हो जाएंगी फिर ये रोक देगा, तो नो 5 तक ऐसा जाएंगी नहीं है, ना ऐसा इसको नहीं, तो वो पूरा फंक्शन ही सर ने उसको डाला और आगे वैसे डाला भी नहीं कि वो हर
मतलब सी स्टेट वो अपडेट वन की। टाइम पे रहेगा हाँ तो वन इमेज से टू हो जाएगी, लेकिन ना, ये ना बोले कि 2 सेकंड का टाइमर है, जो करना है 2 सेकंड और का ऐसा टाइमर है, है। 2 सेकंड के बाद वो फिर सेट। ये आप कह रहे हो ठीक है, देखते हैं। और आप क्या कह रहे हो भाई? कुछ भी नहीं कह रहा, अल्लाह वाले। अच्छा अच्छा सबसे पहले कंसोल देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई एरर भी नहीं आया ना, सही है। कंसोल में कोई एरर हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। कंपोनेंट्स में आते हैं, बस हमने जीरो देखना है, जीरो क्या कर रहा है। ठीक है, सेव करें। सेव, ओके। जीरो से वन हुआ, रुक गया। वही चलाने का वो 2 सेकंड के अंदर रुक गया, वन 2 सेकंड टाइम के अंदर पहले नहीं रुका, चला, वन आपका टाइम पहले, वन वन टाइम हुक टाइम था। पहले। हम वो माउंटेड माउंटेड हुक वन सिर्फ उस वक्त चलेगा जब डबल कंपोनेंट या रेंडर हो गया, बात खत्म। वन टाइम से बच कर फायदा स्ट्रेस ये का कहाँ कि फायदा है? क्या उसके अंदर जो पेंट में आपने पूरा फंक्शन कॉल कराया था, ठीक है, बोल, और उस फंक्शन को आपने बुलाया प्लस वन, रिपीट होती रहेगी ना मेरी वैल्यू, बात सुनो सुनो सुनो। तो यार ये फंक्शन आपके सिर्फ एक दफा चलेगा जब कंपोनेंट रेंडर होगा। अब जब एक दफा चला ठीक है, तो उसको जो है सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या करता है, एक दफा वैल्यू चल गई, मैं दोबारा नहीं चलाऊंगा, मैंने इंटरवल नहीं लगाया, इंटरवल बार बार चलाता है, टाइम आउट एक दफा चलाता है। अब क्लियर है? लेकिन आपने जो स्लैडर हैंडल लगाया है, ठीक है, तो वैल्यू तो प्लस वन करता जाएगा ना, ओ कुछ नहीं भाई, है प्लस वन का जीरो, क्योंकि आपने स्लैडर बाद में लगाया है। सर आप इस भाई फंक्शन ये को नहीं बाद नजर में आ रहा लगाएंगे? तुम्हें? ये एक दफा चलाता है, और सेट टाइम आउट क्या करता है, जो मुझे दोगे मैं उसको चलाऊंगा, कब तक, जब तक मेरा टाइम है, और जब एक दफा कॉल कर दिया तो एक दफा कॉल करेगा। सही क्या? है, अच्छा लग रहा है। नहीं, सेट इंटरवल नहीं मैं लेकिन चलाऊंगा, वो नहीं, उसकी नीड ही नहीं है हमें। एप्लीकेशन पे काम इस तरह आएगा, यहाँ आपके बहुत सारी फाइल्स का डेटा एक साथ जुड़ा हुआ होगा, तो आप अपनी मर्जी से फंक्शन रेंडर नहीं करा सकते हैं। आपके पास जो हुक्स हैं उनके मुताबिक फंक्शंस को कॉल करोगे, अपनी मर्जी से फंक्शन नीचे कॉल, फंक्शन नीचे कॉल ऐसे नहीं करोगे भाई। चार चार मेथड्स हैं हुक के, चारों बढ़ा एक, दिया, हाँ चारों बढ़ा दिए, बोल तीन पढ़ाए, चौथा आप पढ़ लोगे खुद ही। उसका अनमाउंटेड हुक, क्या जब आपको, आप कोई काम ऐसा चाह रही हो कि जैसे ही मेरा कंपोनेंट खत्म हो तो वो चल जाए, करेगा, खत्म के बाद चल जाए, बहुत कम नीड है इसकी। खत्म के बाद दोबारा दोबारा समझाते हैं, एक दफा आगे जाएं, पहले आगे जाते हैं, ठीक है, एक दफा ये दोबारा समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बड़ी आवाम ना कंफ्यूज हुई भी है, और बहुत छोटी सी फंक्शनैलिटी भी है। 26 से लेकर अभी 11 लाइनें लिखी हैं सिर्फ, जिनमें एक तो कमेंट है, ठीक है। मैंने स्लाइडर का जो इंडेक्स है उसका मैंने एक क्लोन बनाया, जल्दी समझ आ गई है। दोबारा समझाने दो ना, उसी पे मैं ओवरराइड कर रहा हूँ कि भाई जो उसी पे जो है ना प्लस वन कर दो, ये जो प्लस वन हुआ है ना, ये वन इसकी वजह से हुआ है, ठीक क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने सेट स्लाइडर इंडेक्स में उस क्लोन को रख दिया, सेट टाइम आउट को बोला ये चलाओ, कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद। मतलब जैसे सेकंड चेंज होगी फिर वो रुक जाए ना। जैसे जीरो सही पे है, इंडेक्स जैसे खड़ा है ना, तो वो 2 सेकंड के बाद बंद, ही स्टेट चेंज होगी, नहीं, आपका टाइमर ठीक है कंप्लीट हुआ, वो दो रुक सेकंड जाएगा। के बाद सही बंद हो जाएगा अब उसके, क्लियर है? नहीं वो आगे ऐसा ही बढ़ेगा ही है बढ़ेगा। आगे, अगर आप इसको यूज इफेक्ट में नहीं डालेंगे तो आगे भाई, बढ़ेगा ना। आप, मैंने आपको क्या बोला, आप फंक्शंस यूज इफेक्ट में ही कॉल करोगे, नहीं आप अगर उसके मेथड बगैर नहीं कॉल का, डालते अगर अगर कॉल, आप, अगर इसके बगैर कॉल कर रहे हो तो भाई आप जावास्क्रिप्ट लिख लो। हाँ वही अगर जावास्क्रिप्ट में होता है, हाँ, तो अगर उसके बगैर कॉल चलता करेंगे, है ना वो हाँ बढ़ा के वो चलता चलता रहता है ना, रहता, वो चलता रहता, 1 2 3 4 5 6, ठीक सही है। है, सही है। लेकिन उस तरह नहीं करना ना, आप इसमें रिएक्ट, रिएक्ट को थिंकिंग से चलो, जैसे राय कि हमने इसको यूज इफेक्ट में रखा यूज तो इफेक्ट के उस हुक में रखा हुआ है जो वन टाइम वन रेंडर टाइम है, चलेगा, इस वजह से रुक रहा है। इसको दूसरे वाले जो दूसरा इसका हो गया हम वही टेन करेंगे, वाला हम वही करेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूं
यहां पर मैंने दे दिया नाम बता स्लाइडर इंडेक्स, रहे हो, ये दूसरा हुक हो गया ये इसका। दूसरा हुक हो गया। ये क्या कह रहा है, जब भी स्लाइडर इंडेक्स की स्टेट अपडेट होगी मैं चलता रहूंगा। अच्छा तो अंकल मुझे वो दिए नाम बता रहे हैं, उसके नाम बता रहे मैं हैं, आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, देखनी खुद ही है। नाम बता रहे हैं खाली। माउंटेड होता है एक, हाँ एक आपने बताया नहीं, मुझे अनमाउंटेड माउंटेड होता बताया है नहीं है, और एक ऑल टाइम चलता है, सही उसका है। नाम नहीं और माउंटेड। चौथा होता है स्टेट के मुताबिक अपडेट होता है, ये चौथा है। अरे सर ये जो ये है क्या होता है वो, यूज दूसरा स्टेट जो वाला होती नहीं है सर, वो तो हुक नहीं है ना, यूज यूज स्टेट स्टेट, नहीं हुक, अबे वो वो हुक भी नहीं है हुक ना, ही है डायरेक्ट भाई, इनकम हुक ही है टैक्स है वो वो, अलग ही मतलब अलग। ये जीरो से बन के जाएगा, अपडेट हुआ वो चलाएगा, फिर कोई दोबारा आप फिर चलाएगा, फिर दोबारा चलाएगा। आप अब क्लियर है, सेव करें, चलाएं। ना जाएगा 3, 4, ना, नहीं मिल, देख रहे हो, सेवन, बन दिया है ना प्लस उसका। वन दिया। ठीक है, सबसे पहले इसको रोकते हैं, इस वजह से इसको कमेंट करते हैं ताकि वो रुक जाए, रुक गया। अभी तक यहां तक का काम सबको क्लियर है, स्लाइडर आगे कैसे सर बढ़ रहा है। मुझे ये बता दें, आपने आखिरी जो ब्रैकेट अबे के अंदर भाई स्लाइडर क्या, देखो स्लाइडर इंडेक्स डाला है ये सर। सबसे पहले माउंटेड पे चला, उसने पहली में ही दिखाई, 2 सेकंड बाद दूसरी हो गई। जब 2 सेकंड बाद दूसरी हो गई तो स्लाइडर इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई, स्लाइडर इंडेक्स की वैल्यू चेंज हुई, इसको इसने बोला कि दोबारा मुझे वही हुक में वो अपडेट वैल्यू मिली है, इसको दोबारा कॉल करो। सही तो सही पहले से 1 थी, उसने 2 से 3 करी, कंप्लीट हुआ 2 सेकंड, फिर स्टेट चेंज हुई, उसने वो उसको स्लाइडर इंडेक्स अपडेट मिली, उसने बोला 2 से 3 करो, ऐसे ऐसे होते रहो। अगर हम चाहें कि 5 के बाद डायरेक्ट कर रहे हैं ना वो, कर रहे हैं ना वो, क्लियर है सबको। ठीक है आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला इफ, रोकने का मतलब ना, रोकने का फंक्शन नहीं मना रहा है, रिवर्स वो उसको ये घुमाना तो भी मतलब तो दिमाग है। नहीं। स्लाइडर इंडेक्स क्लोन डबल इज इक्वल टू स्लाइडर डेटा डॉट लेंथ, जो एरे की लेंथ है जब वहां तक पहुंचे तो क्या करो, अच्छा घुमा दो। स्लाइडर इंडेक्स क्लोन इज इक्वल टू 0 और सेट स्लाइडर इंडेक्स में क्या रख दो, स्लाइडर इंडेक्स क्लोन। जबरदस्त हो गया, स्लाइडर कंप्लीट है, गोल दायरा बन गया। जो चैंपियन यहाँ पे बैठा हुआ है वो बताएगा, अभी भी एक एरर है, पहले चला के देख लेते हैं, फिर वो एरर मैं बता दूंगा अगर कोई नहीं बता रहा तो। ठीक चलाए है तो पहले चलाए, पहले चला के देख लेते हैं। सेव किया, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव आ गया, तीनों कहाँ गया, से स्टार्ट करने आखिरी वाली नहीं चली, सर, आपको जीरो लगाया था 0 इस, नहीं देखो वापस आया 2, 4, 4, नहीं फिर 0, 5 नहीं चला, आया सर, आपकी नहीं दिखा इमेज रहा भी जी। नहीं दिखा रहा, 5 इमेज जो इंडेक्स की मदद से चले, इससे हमें कोड लग गई यस, इसका सलूशन का जवाब है किसी के पास, है सर, इंडेक्स ये के हिसाब से चलना, तो कैसे ना सॉल्व करेंगे। चलने दे नहीं क्यों चलने दे, 4 इमेजेस शो हो रही है, 5 दिखानी है। तो 0 तो चल रहा है, 5 1 मिनट, ओ भाई पूरी दिखा रहे हैं ना, पर वो 0 एक दिखा रहे हैं, 2 3 3 4 4 5 सर पूरी 5 है, 5 5 सही है, स्लाइडर है तो 0 कंप्लीट ही चलेगा, 1 वाली तो 0 है, पर क्या पूरी सही है, क्लियर। 5 कोई सर नहीं काम कर गया, 0 इंडेक्स ना 0 5 लेंथ पे 4 इंडेक्स, हम लोग उस वन को फ्री हम बना वन सर, टू थ्री इंडेक्स चल में रहे हैं, फिर कॉमन जीरो और वाली 2, 3,
फोर सही, जीरो जीरो बस जीरो कम काउंट नहीं करते कंप्लीट ना, वन है। टू से कम। अब उसको कर देना है तो नहीं समझ में आया तो। नहीं वो यही था, बस ये स्लाइडर था और कुछ नहीं करना था। अरे वो भी जो बता रहा देगा था भाई, ये जो है तो इंडेक्स स्लाइडर, इंडेक्स प्लस वन करोगे उस पे बस। सर, नहीं हम चाह रहे कि 1 से स्टार्ट होगा, नहीं इंडेक्स वैल्यू नहीं भाई, जब एट जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो आखिर जीरो ही दिखाना है ना। नहीं हाँ लेकिन दिखेगी स्टार्ट में इनिशियली, फिर जो है ना पहली वाली दिखेगी, वन वाली जो होगी, जीरो वाली नहीं दिखेगी। फिर जीरो वाली बिल्कुल दिखेगी बिल्कुल जब दिखेगी दोबारा घूमेगी। वो कर लेते हैं भाई, ये लो भाई बंद कर दिया इसको, सेव। दोबारा। ये लो भाई, क्या बस कोई फायदा नहीं। सर, नहीं नहीं वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो भाई ये स्लाइडर की फंक्शनैलिटी सारा एरे वाला काम था, जबरदस्त। होते तो भाई एरे के अलावा क्या था इसमें, क्यों तुम। यूज होगा वो तो मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, बाद में बता तो रहा था मैं। पहले कौन सी वीडियो मुझे था बताओ एरे के अलावा क्या यूज हुआ, कुछ नहीं यूज हुआ। एरे की लेंथ यूज हुई, एरे यूज हुआ, इंडेक्स यूज हुआ, सारी उसी की चीजें, जीरो दिखा रहे हैं। सर, लेकिन हम लोगों को माइंड सेट बना बता रहे ना, वो मैप पे शो होगा तो ऐसे नहीं होता है काम करो। पहले जो आई का था लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस में ये होता है कि बटन का क्लिक बटन के लगोगे, अंदर ऑप्शन का अगर तो बटन भी से चलेगा, लेकिन जैसे इनलाइन मॉडल जो बॉक्स होते हैं वाला। उनका पहले टास्क को लॉक करें और सही लिखकर स्पैम हाँ को वो कर पंक्चुअली दे, टाइप में आता है लास्ट को थोड़ा सा कि भाई एक इनलाइन है उसमें आप ब्लॉक। सर ने पूछ टाइप का नहीं किया था कि जो एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक मॉडल पॉप सर वो दिखाए ना आप, उसी में मुझे करते मेरा काम। क्योंकि ये कि अगर हम उसे लगाते भी है ना तो फिर उसके अंदर हम जो टेक्निकल चले ये कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करें। करेंगे स्लाइडर जो है कंप्लीट हो गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान था यार। लेकिन ये था कि उस वक्त हमारे माइंड में ये चीज थी, रहने वाली वीडियो भी थी। हालांकि हमने ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस नहीं है, बहुत आसान था, सिर्फ सीखा लॉजिक्स था हैं हमके बस, हमके और कुछ भी नहीं हमने है। लोकल पढ़ा कर लोकल स्कूल जो हम एकदम फंक्शन का रह सके तो वो भी तो एकदम भाई फंक्शन। एडिट वाला ट्राई तो करते हैं, लेकिन सर अभी मैं मैंने बोल रहा हूँ जिस तरह की की आवाम नहीं बैठी थी, हो मैंने तो मसाले कंफ्यूज हो कुछ जाएगी। मैंने लूप वाली वीडियो देखना, उसमें लूप के नए क्वेश्चंस दिए हैं कौन सा कहां यूट्यूब के वीडियो पे। कल कल पूरा दिन लूप पढ़ाया है और उस पे लूप के मैंने नए क्वेश्चंस दिए हैं जो तुम लोगों को नहीं दिए हुए थे। वो जो है ना तो मैं रहते करके लाना, वीडियो शेयर कर दूंगा मैं पे क्या अपलोड कर दिया। चल मैं दे दूंगा आपके लिंक बता में, दो उसको, ले चलते ले हैं उसका ले ले भाई। नाम बता दे आपने अपना यूट्यूब बनाएंगे अबे वीडियोस हाँ यार डालनी है यार, एनिमेशन समझे। देखी भी इतना सब आगे बढ़े, प्लेलिस्ट है अलग बैचेस की अलग अलग। मैं यहां से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। सब्जी अब एडिट वाला करते हैं टाइम पास। बल्कि चलो बाद में, अच्छा चलो आ जाते हैं एडिट वाले काम पे।
इंस्टीट्यूट राइट। सीएमडी क्या आई प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं ये डेटा वगैरह हम लोगों से रिडक्स से बन जाए उसका स्लाइडर का रिडक्शन कोई ये देना नहीं लेंगे। स्टेट तो बन जाए भी हम लोग को अगर मैं चाहे सही तो बता रहा उसमें हूँ, स्टैंडर्ड एक तो हम लोग अपने सही पेरेंट्स बात से ज्यादा बताऊँ, रखते सही बात बता रहा हूँ, मुझे रिडक्स 2 साल में समझ में आई है। ठीक है, आप जब रिडक्स पढ़ोगे ना, मैं बहुत टाइम तक ये सोचता रहा कि मैं ये क्यों यूज करूँ, बहुत टाइम तक। जी सर वो सही आपकी बात, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया ना कि यूज करनी चलो देखते हैं, सर भी नहीं करते, लेकिन रिटर्न से पहले बात एडिट होनी वाला चाहिए काम ना। तो करवाऊँ मैं, एडिट वाला। तुमने तो वो भी नहीं करा रिटर्न पाया यार, अच्छा से नहीं हो रहा था, मैं समझा कोशिश नहीं करी। चलो सही है, अलग है। लेकिन वाला भी कर भाई भाई आपसे अभी ये नहीं हो रहा, वो तो मरवा देगा फिर, मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी वो। कहते हैं एपीआई बनती हैं बस, लोग और कोई काम नहीं, फुल स्टैक बन जाता है, वो भी इसके साथ आनी चाहिए। ठीक एक साथ ही है वो, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है। हाँ है हम लोग उससे भाई ये तो हो जाए, ये रिलेटेड तो हो जाए। ये ठीक है, माहौल चल कुछ ओके, रिफ्रेश। लड़की क्या करूंगा, बन जा रही सही है। तो फिर आपके ऊपर आ गए वो किस पे आना था, नहीं करती के बाद हाँ, ठीक आइटम लिस्ट मेरे पास क्या पड़े हुए हैं, उसी तरह खोल लेते हैं। नहीं भाई, ज्यादा कंप्यूटर और माय के आइटम्स में बस टीवी आ रहा है। ठीक है, इधर जाते हैं, इसमें कंपोनेंट्स, लिए बहुत माय आइटम्स, कोडिंग में होता है सर fussy@gmail.com, fussy@gmail.com कितने पड़े हुए हैं, यहां पे ahmed@gmail.com, इसलिए भी fussy@gmail.com, ahmed@gmail.com, यहां चलो आगे बढ़े। हम आते हैं आइटम लिस्ट पे, आइटम लिस्ट। ठीक है, ये रही हमारी आइटम लिस्ट, सही है। एक और डेटा डिलीट करके देखें, लैपटॉप मोबाइल डिलीट करता हूं मैं, ठीक आयरन कर देते, है आयरन हो गया। डेटाबेस में 3 होने चाहिए, एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 3, लैपटॉप मोबाइल टीवी, लैपटॉप मोबाइल टीवी, आयरन में दोबारा ऐड कर। ठीक है,
चलो आते हैं, एडिट का बटन लगाते हैं। ऐसे सिनेरियो होता है कि अगर जैसे कि हम इससे बात करी कि कोई चीज गलती से डिलीट हो गई और वो पड़ी थी इंडेक्स 4 पे, कह रहे हैं दोबारा ऐड करना है, सेम इंडेक्स को दोबारा ऐड करनी है, उसके ऐड करने से पहले कुछ ऐड हो चुका है, ऐसा कुछ है तो वो पुराने इंडेक्स पे वापस चल जाएगा ना? नहीं जाएगा सर, तो इससे लोकल स्टोरेज में तो कर सकते हैं, भाई डायरेक्ट उस इंडेक्स पे नहीं जाएगा, कर एडिटर का ऑप्शन आता है ना, तो रहे हैं, कर तो रहे हैं। इंडेक्स अच्छा डायरेक्ट तुम बोल रहे हो। डायरेक्ट हाँ वो तो, लेकिन वो तो हार्ड कोडेड हो जाएगा, वो तो जाएगा कौन सा कलर रखना वो सही है है। उसके लिए तो हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसी कभी सिचुएशन पॉसिबल की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडिट का बटन बनाए, यस बल्कि सर। यार यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। नहीं मैं समझा कि इनपुट फील्ड यही लगी हुई है, इंप्रूव करना ही है, इनपुट फील्ड नहीं है तो एक बूटस्ट्रैप का वो लगाना पड़ेगा, वो मॉडल। चलो देखते हैं कितना होता है आज। कितने लगाना चाहिए क्या कितना बता नहीं सकते। यार, चलेगी, लंबी है, लंबी होने वाली है थोड़ी सी। आइटम लिस्ट को खोला और जल्दी से आते हैं, एडिट का बटन बनाते हैं। ये रहा बटन डिलीट का, आपको इसी को नीचे कॉपी करेंगे परमिशन क्या? सी चाहिए बी ऑन क्लिक को बंद कर देते हैं था, और एडिट EDIT। हाँ भाई डिफरेंट कलर वाले भाई, ये प्रैक्टिकल सही है। हाँ कोई इश्यू भी फाउंड नहीं हुआ। कलर माय आइटम सुनी, आइटम लिस्टिंग ऑल है, आ गया, ठीक है, क्लियर। इसके बिहाफ पे भी मुझे सारा डेटा चाहिए इस पूरे का, पहले वो ले आते हैं। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये जिसका वो एडिट है वो ऊपर आएगा, पहले मुझे ये पूरा जो सारा डेटा है कंसोल में चाहिए सबसे पहले, ठीक है। आएगा वो डेटा तो लाओ पहले। आएगा, नंबर तो नहीं आएगा, नंबर क्या नहीं आएगा, इंडेक्स भी चाहिए? इंडेक्स भी चाहिए, जो आपने ऊपर किया है ना सब सेम टू सेम, पर डिलीट भी जाएगा डिस्टेंस को भी, एडिट हैंडलर ठीक है बनेगा ऊपर, ठीक है। नहीं, पूरी फंक्शनैलिटी नहीं, बिल्कुल अलग फंक्शनैलिटी है इसकी, बल्कि मैं एक बड़ा जबरदस्त जुगाड़ सोच रहा हूँ। जुगाड़ मिला सर, एडिट हैंडलर एडिट हैंडलर कौन एडिट हैंडलर इज इक्वल टू दिस, हमने बोला डेटा और की। यार इधर देख लो, नहीं समझ में आएगा बाद में। कंसोल डॉट लॉग की और डेटा सेव किया, आगे बढ़ते हैं। लैपटॉप 0, मोबाइल 1 और टीवी 2। रिफ्रेश, जीरो वन टू। लोकल स्टोरेज को क्या है तो लोकल स्टोरेज पे तो अपडेट करेंगे ना जब हमारा डेटा एडिट। क्या डेटा क्या हुआ आपके कहाँ से जा यार, थोड़ा सा तो देख कर आ जाते रहा हैं। है सर, सेम सेम नेम रखते हैं आप, सेम सेम रखना है किधर? करते हैं, वहाँ डेटा वो उसी जगह भी यही रखते हैं, हैंडलर वहाँ जहाँ पहले नहीं, एडिट हैंडलर के डेटा और की तो जल्दी रखा है।
अबे भाई जो एडिट हैंडलर है यहाँ से आइटम भेज रहा हूँ और इंडेक्स में जो की मिल रही है। अरे नहीं नहीं सही है यार, डेटा और की ठीक है। अच्छा खुद काम करते हैं ना, पता होता है काम कैसे करेगा। हाँ चलो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, और लॉन्ग काम जो है वो तुम लोगों ने खुद करना है। सही है, पहले जो बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप लोगों ने करना है मैं वो बता देता हूँ, और फिर शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा वो मैं कर लूंगा। आप अच्छा होना क्या चाहिए पहले वो देखते हैं। एडिट पे डायलॉग ओपन होगा, फॉर्म फील्ड में क्या आएगा, जैसे मैंने मोबाइल पे क्लिक किया तो मोबाइल फॉर्म मोबाइल फील्ड में चला आएगा जाएगा। सही है, और उसके पास होंगे दो दो बटन, एक अपडेट और कैंसिल एक तो कैंसिल। हो कैंसिल रहा है, अपडेट कर रहा है तो तो कैंसिल हो जाए, अपडेट कर रहा है तो मॉडल सबसे पहले क्लोज हो, और उसके बाद फॉर्म वैल्यू अपडेट हो गए, डेटाबेस में भी अपडेट हो जाए, यूआई पे भी अपडेट हो जाए। ठीक है डेटाबेस में होंगे तो वहां पर भेज रहे। सही है। अच्छा मैं क्या करना चाह रही जो हूँ बता रहा हूँ, मैं मॉडल के बजाय प्रॉम्प्ट खोल देता हूँ। नहीं सर, अच्छा मॉडल क्या रहने क्या आप यही नीचे का टेक्स्ट दिखा दे, बस जरूर थोड़ी मॉडल नहीं खोलने नहीं का लंबी मॉडल क्या होगी, लगे। सर मॉडल करें अलर्ट से मैं करा देता हूँ। अच्छा प्रॉम्प्ट बंद कर लेना, प्रॉम्प्ट हो जाएगा कर ठीक लेंगे। है मॉडल वहां काम आपने देखा हो तो ऊपर किसका, मॉडल वहां पर मैंने डेटा भी ले गई हूँ, वेट करना है उसका। चलो ठीक है मॉडल उठाते हैं। एक सबसे आप पहले तो जाते मेरे हैं कॉल किए ना उससे, मैंने तो अपने मॉडल को खुद कंपोनेंट्स, मेरा कंट्रोल शिफ्ट तो 10, मॉडल जल्दी से आते हैं। इधर गए मैं भाई, देख लो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम पे जा रहा है। MODEL मॉडल डॉट जेएस। हाँ मॉडल मॉडल की, कॉपी मॉडल की RAFC। बता मजा आ रहा है उससे। अच्छा रहे एडिट मॉडल कंपोनेंट, कॉम्पो एनी एंटिटी। एडिट मॉडल को यहां से कॉपी करा, सी वी वी ठीक है। अब हम जाते हैं बूटस्ट्रैप के मॉडल पे, बूटस्ट्रैप मॉडल। ये वाला, यहाँ पर इनपुट फील्ड लगा लेंगे। सही है ओके। लॉन्च डेमो मॉडल क्लोज। यार यहाँ पे कॉपी का बटन नहीं है इनके पास, वो बटन भी कॉपी कर रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, कॉपी कंट्रोल और चलते। बटन बटन अभी रिमूव करते हैं थोड़ी देर में। अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा देखने दो। हाँ हाँ वो तो रिमूव करेंगे। बॉडी में तो वैसे भी कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे आप इनको फील रहे हैं, बाकी सब कुछ वही रहने तो होल्ड होल्ड ऑन। ऊपर का बटन है एरिया लेवल इस मॉडल के लिए यूज होता है। अच्छा हम कोशिश करेंगे इधर कोई फंक्शन ना बनाए, क्योंकि ये थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। अच्छा इधर कोई ऑन क्लिक लगा हुआ है,
इसी जगह पर। बनाया यस चलो ठीक है, बटन तो हटाना ही है। ठीक है हाँ, हाँ जरा मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे आपने ये अलग बनाया है, अब आप इसको अपने सर कैसे बात करेंगे? कर करेंगे ना, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है। अच्छा सबसे पहले क्या करते हैं, जितने भी क्लास हैं, कंट्रोल डी डी डी। कंट्रोल ऐप पे भी लिख के कर देंगे तो उससे भी फर्क चल सकता है। तो 2 मिनट, 2 मिनट क्लास कौन था? यार, ये क्या कर रहा है भाई। अभी आपने डबल लगा दिया। ए क्लास टेन को ऊपर मूव करके बस एक्स्ट्रा आ रही है। डबल एस एन ए एम। चलो सही है। चलें आगे आगे बढ़े। एडिट मॉडल, कोई ऑन क्लिक तो नहीं लगा हुआ? नहीं लगा हुआ। कॉपी किया, सेव किया, देखते हैं कोई इश्यू तो नहीं है अभी तक। कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। हाँ अभी चलेगा। मैंने यहाँ पर आया, इस इफेक्ट को बंद किया, बंद नहीं किया, वो कर दिया। इम्पोर्ट एडिट मोडल, मोडल फ्रॉम डॉट स्लैश डबल डॉट स्लैश मॉडल स्लैश मॉडल डॉट जेएस। ये मैं देख रही हूं, बंद नहीं आई। ये मैंने करा था, ट्राई करा था। ठीक है। अच्छा एडिट मोडल हमारे पास एक कंपोनेंट है, यहां पर मैंने कमेंट डाला नोट एडिट मोडल कंपोनेंट। सही है। और मैंने यहां पर लिख दिया एक जीएसएक्स विच इज एडिट मोडल। कौन कौन कह रहे शो होगा? नहीं होगा अपने क्लिप पर होगा ना, मेरे पास तो नहीं। वो मॉडल शो नहीं ना होगा, क्योंकि वो तो सारी उसकी जो स्टाइलिंग है वो हाइड हुई है, और उसके क्लिप पर वो जो बटन हमने रिमूव किया उसके क्लिप पर उसे शो होगा। ऐसा है, मेरे ख्याल से तो होना चाहिए शो। चल जाए तो जरा बोल के ना। देखते हैं पहले। सेव डब्ल्यू रिफ्रेश, शो नहीं किया। ठीक है एरर तो भाई ऐसे पानी की तरह आ रहे हैं। इनवैलिड डिड यू मीन टैब इंडेक्स? अच्छा इंडेक्स इंडेक्स कंट्रोल सर पहली किधर? लाइन है, टेबल इंडेक्स माइनस आईडी के बराबर। डिड यू मीन टैब हाँ इग्नोर कर, इंडेक्स? चैप्टर को कर दीजिए रिएक्ट। यस टैब। और दूसरा देखें एरर कहाँ सर? सही है, बस इतना सा है। बड़ा अच्छा यहां पर आते हैं, और मैंने एक स्टेट बना रहा हूं अगेन। कॉन्स्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, और मॉडल विजिबिलिटी VISIBILITY मॉडल विजिबिलिटी मॉडल सी कॉमा सेट सेट मॉडल विजिबिलिटी। ठीक है एक स्टेट बनाइए मॉडल विजिबिलिटी। सही है, उसको इनिशियली क्या करेंगे? फॉल्स। खाली हाँ खाली छोड़ देंगे तो आपने कोई डेटा टाइप बताया नहीं, वो मसला करेगा।
वेरिएबल में क्या है, तो जो बाद में दोगे वो उसको सुनेगा नहीं। ठीक जाएगा वो है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा यहां पर अब मैं इसको दे रहा हूं एक एट्रीब्यूट। ठीक है, मैंने दे दिया ओपन इज इक्वल टू मॉडल विजिबिलिटी। नाइस। ठीक है, ये वहां कैसे शो होगा? सेव किया, नहीं शो हो रहा। ओके, PROPS प्रॉप्स। सही है, जेएस वाला काम करेगा मुझे तो लग रहा है, पूरा क्या फंक्शन इसका लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। प्रॉप्स ऑफ एडिट मुडाल प्रॉप्स। ठीक है, सेव किया, प्रॉप्स ऑफ एडिट मुडाल, कुछ नहीं आ रहा। हाँ, दोबारा रिफ्रेश कर। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छा सब्जेक्ट को ले रहा होगा ना। नो, इसको ऐसा देना नहीं चाहिए था। अगर इसको कंसोल डॉट लॉग प्रॉप्स करें डायरेक्ट, ये कोई ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार। सेव, फॉल्स। चलो उसको लाइन को हटाए थे, लाइन मसला कर रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? ओपन के अंदर फॉल्स रखा है। फॉल्स क्या है? प्रीवियस कंपोनेंट पेरेंट कंपोनेंट में एक स्टेट है, फॉल्स। क्लियर? ठीक है, लेट डिस्ट्रक्ट इज इक्वल टू क्रॉप। इसमें किसी को कोई इश्यू तो नहीं है? ठीक है, नहीं शो हो रहा। ओपन ओपन, ऑल्ट शिफ्ट है। अगर मैं इसको जो है सेव करके जरा ओपन करूं, मॉडल शो तो नहीं हो रहा ना? नहीं। ओके, बट ये शो क्यों नहीं हो रहा? पहले तो ये देखें, कहीं डिस्प्ले नन हुआ हुआ भी है तो स्टाइलिंग नन होगी, हम जैसे यहाँ मॉडल पैड दिखाओ ना पर फिर। ओपन लिखे, हम पैड के बाद इसके बाद पैड पर क्लास में लिख दिए मॉडल पैड क्लास क्लास, नेम, और इसके बाद स्पेस देके ओपन टाइप करें। अब देखते हैं शो क्या हुआ? क्या हुआ, हुआ? इसके बाद एडिट का बटन। पता तो चले ना क्या चला आ रहा है। ओपन नहीं होना चाहिए सेव कैलकुलेटर यार, नहीं ये तो बहुत बुरा आ रहा है। क्या आ रहा है, यार इसको ये हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं वो देख रहा हूँ। हैंडल पे तो सर ये ओपन नहीं आता है, लेकिन अभी ये हो नहीं रहा ऊपर। इसके साथ और भी चीजें होती है सर, जैसे ये बॉडी पे जाके वो देता है ओवरफ्लो हिडन कर देता है, उसके बाद ये बैकड्रॉप छोड़ता है, बिल्कुल अपेंड करता है सबसे लास्ट बॉडी के बाद, मतलब बॉडी के ऊपर। तो ये इसीलिए तो मैं याद है आपको, जब मैं बोली थी सर जेएस में मॉडल को ओपन करने में ना मुझे सारी स्टाइलिंग उसकी दोबारा चली गई। ठीक है, इधर जाते हैं मॉडल में, मॉडल डॉट सी एस एस, MODL डॉट सी एस एस। जीरो पैडिंग, जीरो बॉक्स साइजिंग, आप उसे एक काम करें, उसी बूस्टर वाले मॉडल पे सर ओके 1 मिनट सबर करो जरा। import dot slash modl dot css dot css। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल मॉडल जो है इसको किया सी सेव और आईडी डिस्प्ले ब्लॉक एक्सक्लेमेशन। सेव,
स्टिल नॉट शोइंग। और इसकी स्टाइलिंग मॉडल इंस्पेक्ट करें जी अपने मॉडल क्या लिखते वो तो देख लेते हैं मॉडल। मॉडल अपडेट है ना उस साथ क्या ऐड हुआ शो शो करें ओपन नहीं था शो कर किधर शो सही है। वो ओपन नहीं शो में और कनेक्ट बैकड्रॉप क्या? देखिए ये जैसे क्लिक करते हैं ना तो ये यहाँ इसको शो कर देता है और लास्ट में ना ये एक बैकड्रॉप छोड़ेगा तो किधर है? ये जो ये बैकड्रॉप हमारा आ रहा है सही है, वो इधर ये किधर शो बिल्कुल हो रहा है? लास्ट में वो शो करने पे आ रहा है। वो क्लिक करके शो करना पड़ता है यहाँ पर ये रहा बैकड्रॉप देखा इस ये समझो जैसे हम क्लिक करेंगे ना तो सही है। अपेंड होगा बिल्कुल एंड पे और बॉडी पर ये इनलाइन स्टाइल लास्ट रहेगा में दिखाया हुआ है हाँ लास्ट। लेकिन इसमें इसमें दिख नहीं दिखता नहीं है यहाँ पर ये बस उसके क्लिक पर अपेंड होगा अच्छा हाँ इसको एडिट एस HTML करते हैं ये ना, जी पूरे का पूरा कंट्रोल है कंट्रोल। लेकिन ये तो स्क्रिप्ट के भी नीचे है। हाँ बिल्कुल ये अपेंड होता है मुझे बॉडी के तो ऊपर ही है ना सभी तो मैंने इसमें सर वो बनाया अपना कस्टम सही समझे है। आप मैं नहीं कर अच्छा ठीक है, हम सिर्फ अभी ऊपर वाले स्टेट को देख लेते हैं जो शो करवा रही है। शो मॉडल फेड शो। रिफ्रेश मॉडल फेड शो सेव। ओके ठीक है, सबसे यस पहले इसको थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना इसको हम शो वो बाद में देखेंगे। नहीं इसके लिए एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जैसे कोई सभी मसला को नहीं, कोई मसला नहीं। क्या अच्छा इसमें होता क्या है सेम काम सारा काम बोलर करने की वजह से ना मैंने फिर सोचा छोड़ो इसको कस्टम बना लेते हैं इनपुट इनपुट यहां से उठा लें। हाँ खाली इनपुट नहीं आ रहा यार, बटन वाले आ रहे हैं। कॉपी कर ले सर पूरा थोड़ी आपको हर चीज सर आप इसे क्या करते सब कुछ की बस भी कुछ लेना पेट पड़े रेसिपिएंट यूजर नेम सही है, ये वाला उठा लेता हूँ। रेसिपिएंट यूजर नेम ये वाला। और नुक्ते कहाँ हैं? सर आप वो कह रहे थे आपको पढ़ाएंगे वो 3 डॉट वाला वालेकुम सलाम। सर की रिक्वेस्ट पे आया हूँ मैं। उन्होंने कहा भाई बच्चे बिल्कुल ठीका बन गए और सब तो इतना अच्छा दे दिया कि जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अच्छा चाहिए तो देता हूँ भाई। सर टेस्ट तो बहुत अच्छा गया था। नहीं टेस्ट अच्छा नहीं गया। अच्छा सर से मेरी बात हुई थी। सर ने ये कहा कि जो हम यहाँ पे जो टास्क देंगे आप लोगों को सर यही बात हुई। और 1 घंटा जैसे फॉर एग्जाम्पल पढ़ा लें तो 1 घंटा फिर टास्क देंगे लेकिन ये सिर्फ 5 या 6 क्लास में हम सर करेंगे ठीक है 15 दिन जाएंगे। ओके तो ये थोड़े डेज बढ़ जाएंगे तो इसमें भी कोई श्योर नहीं होना चाहिए यार डेज क्यों बढ़े। जैसे कि 15 डेज सर ने कहा कि इस तरह करना पड़ेगा कि आप इनको सिस्टम दे दिए जाएंगे और इस पे बैठ के ये उसी वक्त टास्क परफॉर्म करें 15 दिन के बाद एक टेस्ट फिर लिया जाएगा सही है। नहीं क्या तो मैंने आपको दिखाया था घर पर फरिश्ते इमेज शो नहीं हो रही? आगे कर लेते हैं फरिश्ते स्लाइड भी कर लेते हैं स्लाइडर बाद में। इमेज किसी ने नहीं किया ना सर मैं आया नहीं था मैं बैठे सही आदमी
ऐसे गलत लगा दिया। अच्छा अच्छा सही है, अब चलाएं चलेगा, सही है, जबरदस्त। एक इनपुट फील्ड भी आ गई, इसमें लिख रहे हैं तो शो भी कर रहा है, एक बड़ा प्यारा मॉडल शो करा दिया हमने, लेकिन किसी क्लोज पे बंद नहीं कर रहा वो। ऐसा करते हैं, शो ओपन और क्लोज कर देते हैं। सर वैसे एक चीज है, क्रॉस का बटन है और नीचे क्लोज का बटन है, इन दोनों की फंक्शनलिटी अगर सेम बनाएंगे बिल्कुल तो सेम सेम सेम, कंपोनेंट इनके अलग अलग है, एक इसके अंदर दोनों का काम जब इधर सब कुछ किया हुआ है तो कंपोनेंट अब बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं। मेरे कहने का मकसद है कि क्लोज के बटन पे जो हम काम करेंगे वही क्रॉस भी करेंगे, अलग ही बनाना पड़ेगा ना, तो बंद एक ही करना काम पड़ेगा। करेगा, एक ही काम करेगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, दोनों पे लगाऊंगा, एक फंक्शन मिलेगा दोनों दोनों पे लगेगा। पे। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। अच्छा अब मैंने बोला अगर शो में हटाता हूँ, ठीक तो है, ओके कंट्रोल पी, आ इधर आया मैं, ये शो होगा लेकिन हमारे एडिट वाले पे वर्क करना, तो आप उसका जाके बटन देखें उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी, वो एडिट पे हम करवा सही है नहीं हम उस तरह नहीं करेंगे। सर, उसी तरह सही होगा चलो ठीक है, देख लेते हैं। क्योंकि ये अभी भी हमारे एक क्लिक पर ही हो रहा है ना, और वो क्लिक हमारा कौन सा एडिट का सही है। अच्छा सही इसको कैसे टैकल करेंगे? अभी और लेट्स अच्छा अगर मैं काम करूं, ये जो शो है मैंने भी हटाया सेव, और मैं नीचे एक दूसरा क्लास नेम दे दूं, इस पे शो वर्क करेगा? दो क्लास में दो शो कर नहीं दो वर्क करता, ही नहीं कर सकता। कभी भी नहीं हाँ करता। क्योंकि सर चलो करा तो है लेकिन गलत कर दी। अगर साथ में हमारे जी है ना SHOW। हाँ टर्नरी ऑपरेटर ये पकड़ नहीं रहा, क्लास नहीं पकड़ा नेम टर्नरी ऑपरेटर नहीं पकड़ रहा। कंट्रोल ब्रैकेट्स लगाना, वी, एक मिनट, ब्रैकेट्स ऐसे SHOW। ठीक है, मैंने इसको हटाया एक्स, नाउ टाइम आउट शोइंग, कर वो सुन तो लो, सुन तो ये तो हमें भी पता होगा सिक्योरिटी के बारे में। अच्छा क्या कह रही हो। देखो उन्होंने बटन पे क्लिक फंक्शन लगाया हुआ ना, और हमारा एडिट भी तो एक बटन ही है, तुम के वो पकड़े क्या कहते हैं, आई थिंक उन्होंने आईडी वगैरह पास की हुई है, तो वो आईडी यहाँ पर बटन पे पास करते हैं और रिजल्ट देखते नहीं, उस तरह नहीं करना ना हमने, उस हैं। तरह हमने डेटा ऐसे कैसे नहीं पकड़ा, आएगा? डेटा तो आप वैसे भी उसकी अलग बटन बटन पे डेटा भी लेके जाना है, हर बटन के क्लिक पे उसके पे तो हिसाब, फोन पे क्लिक है ना, और बैक में आपके पास आइटम भी है और इंडेक्स भी है। आप वो वाला जो बटन है वो सिर्फ एक आईडी से ओपन कर देगा, तो डेटा अपने हिसाब से हम कैसे लेके जाएंगे? मैं कह रही हूँ वहां पर आईडी चलो पास आप कर बताओ देना आप क्या कह रही हो, चलते हैं वहां पर यार, छोड़ो हमारे काम, तो बोल रही हूँ, मैंने इसीलिए सर ये नहीं बताया था, तो क्या बोलते हैं बताओ। ये जो बटन है ना, देखिए यहाँ पे हाँ टाइप बटन क्लास डेटा टॉगल पे मॉडल लिखा हुआ है, डेटा टाइप के ये एग्जांपल से उस एग्जांपल जो आईडी है ना मेरे उसको साथ पास आपका ये डेटा टॉगल और ये होता है। यार ये हाँ मैंने कभी यूज नहीं करे ना, मुझे पता ही क्या करते हैं, इसको उठाएं और वहां पर पास करें, किधर देखें बात करूं। एडिट का जो बटन है वहां पर आइए टॉगल है। ठीक है, ये लो हम भाई, देखें पास एरर तो नहीं आया, नहीं आया। चलें आप चलाएं इसको कितना करें चल जाएगी। एडिट पे क्लिक करें, कॉल चल ही नहीं रहा अब तो, बल्कि क्लिक ही नहीं हो रहा। के लिए हटाएं, कॉल के लिए हटाएं, ऑन क्लिक नहीं हटा ऑन देते क्लिक हैं, तो रखना है, क्या करें, वो तो चल ही नहीं रहा हमारे वाले बटन पे। अबे छोड़ो चलेगा। भाई, इस तरह नहीं करेंगे काम, या होगा इसी तरह से, लेकिन नहीं अभी इस तरह अभी नहीं थोड़ा होगा, ये वर्क गलत करना है काम हमें, है। समझाएं हाँ आप। गैरेज में जाइएगा, अरे हाँ सर गैरेज जो आपने
आप बोलो जल्दी जल्दी, उधर जाएगा कोड में जाएगा। चलिए इस जगह पे पास कर रहे हैं, इसके बाद एक्सपीरियंस देखेगा। किधर पास करूं? क्लास ये जो प्राइमरी ये जो ये लगता है ना, के क्लास बाहर के पास अंदर होता ही, ये है, इसके अंदर नहीं पास अंदर होता। अंदर सही, होगा। क्लास ओ के भाई बाहर क्या कह रहे क्लास हो में भाई, नहीं चलता। क्लास ये रहा इसका अलग अलग है। अच्छा सर एक चीज है, ये पता क्यों नहीं हो रहा पास? हाँ आपने इसका वो जो मॉडल डॉट जेएस में इसका कंपोनेंट रेंडर किया हुआ है, तो ये उसका तो क्लिक से एडिट से कोई लेना सर, देना यही ही तो नहीं है। आपको आके पहली बार बता रहा था, जब मैं बटन बनाना चाहता हूँ भाई तभी मैं, लिखता है। अगर आप फिर भी वो कर रही होती ना, फिर भी मैं इसको यूज नहीं करता, इससे हमारा काम नहीं होगा पता है। तो उससे मैंने सबसे पहले जेएस का फंक्शन आता था, जैसे सर मॉडल नहीं ओपन हो रहा, उसके लिए मुझे सारा कोड दोबारा लिखना पड़ रहा है हाँ तो जो क्या जो हुआ? उसके ओपन हो रहा। अब वही इसमें भी मैंने किया सर है। एक छोटा सा ठीक है, क्वेश्चन, जैसे आपने मॉडल को अलग बनाया, वो वो बनेगा इसी अलग पेज ही, पे इसको बना ले और यहीं से दिख करा ले, वो नहीं नहीं अलग रिएक्ट ही रिएक्ट करो बनेगा। ना, तुम यूज करो रिएक्ट वाले तरीके। ठीक है चलो, एटलीस्ट हम ओपन तो करवा लेंगे यार आज। हाँ ओपन कराओ, नहीं कस्टम का तो करवा सकते हैं सर। सेट, स्टेट बनाए इसके ओपन और उसकी अलग अलग, नहीं हमने वो बोला नहीं। दिस ऐसे होगा। करते सर टर्नल को फिर वो हैं करते हैं, अभी हमारा सेव किया, यही उठाएगा टर्नल उठाएगा को उठाएगा। अच्छा इधर गया मैं, मैंने बोला सेट मॉडल विजिबिलिटी मॉडल विजिबिलिटी, इसको कर दो ट्रू। ट्रू सही वो है, देखा फिर एडिट हैंडलर पर ही करे ना, मैंने भी इसी पर ही किया। ठीक है भाई, पता है आपको काम आता है। सेव किया और अब देखते हैं आगे क्या जाता है। ऑब्जेक्ट्स फॉल्स फॉल्स क्लियर। नेक्स्ट क्लास में लो। अबे भाई पता तो सर चले एक हो क्या रहा है, पहले तो मेरे वो आ मॉडल रहा था, एटलीस्ट अब तो वो भी नहीं आ रहा। इसको बंद करो हाँ, और ये दिखा दो खाली सेव। बस नीचे ही आप वो करवा लेंगे मॉडल, हम लोग करके चलेंगे। नहीं तो पहले तो डेटा आ रहा था, फिर अजय यार ऑन क्लिक बंद करा हुआ है। नहीं ऑन क्लिक ऊपर है एडिट होल्डर इतना कॉपी किया चलो मैं भी ये क्यों नहीं चल रहा यार भाई मैं भाई, चीजें नहीं चल रही मेरी, भी ये कर डिलीट का बटन भी नहीं चल रहा। रही सारा कुछ। तो मैं कौन सा आ गया F12 आइटम लिस्ट। फॉल्स ऑन क्लिक इज नॉट वर्किंग, क्या हो गया, क्या लगा दिया मैंने? कंसोल किया एडिट उसका मॉडल को बंद करते हैं, अगर जरा सेव किया, अब चल रहा है। एडिट मॉडल के होते हुए बटन इज नॉट वर्किंग। बैकड्रॉप शायद आ गया होगा एक काम करते हैं, सर, यहीं पर नीचे ही जो आपको क्लास करवा नेम्स है ना रहा वो हटा देते हैं, सेव। लगा रहे हैं। ठीक सेव क्लिक क्लिक। ठीक है अब जरा उस पे जाएं, किस पे, इसको ओपन करते हैं। आप क्लिक कर रहे हैं बटन्स,
फॉल्स। बटन्स आर नॉट वर्किंग व्हेन मॉडल इज अप्लाइंग। हाँ यही जो ऊपर आया ना, सच बैकड्रॉप तो नहीं आ रहा है, सबसे लास्ट में हो। नहीं ऐसे कोई चीज ये ऐसा लग रहा है जैसे उसके ऊपर कोई चीज यस आई है। इन्हें पता है नहीं तो बोले। सही बटन है बिल्कुल। हाँ, ऊपर मॉडल आया हुआ है पता है, थोड़ा नीचे देखते हैं सेंसर जिसमें मॉडल आ रहा मॉडल आ है। रहा है। अच्छा सर, मॉडल कौन सा होता है? क्लास में रखते हैं आपने स्टार्ट के इसका वो कंपोनेंट रख दिया। चलो स्टार्ट लास्ट में रख देते हैं आपके कहने के मुताबिक, क्योंकि ये चीजें ना मसला करती नहीं है। नहीं ये बड़ा मसला है, मॉडल कॉप के ऊपर जो सी इंडेक्स आया हुआ है ना वो भी सारा इशू है सर। जी आपने टेप सेम कैसे काम करते, बूस्ट ऐपे लाइक इक्वल का नहीं यार ऊपर मॉडल आया हुआ। काम वाइट ब्रेड में शाप चल पर की पता नहीं कब ये कब शो या हम बाउंड क्लास को भी कभी फिर क्यों नहीं आ रहा। वो विजिबिलिटी वाला जो आपने वेरिएबल स्टोर किया उसको भी रिमूव कर, वो तो स्टेट बनाई है और स्टेट को उसको रिमूव नहीं, करना क्यों रिमूव कर रहे हैं, आप उसको यूज ही नहीं करी, यूज ही नहीं करी। नहीं आ रहा। उसने ये इसने जो बताया आप सोल्यूशन बताया वो सही बताया है। हाँ होगा और कोई सोल्यूशन नहीं, वरना वही इसके भी ये देख फंक्शन रहे हो ये होते क्या है, ये ऊपर मॉडल आया हुआ है। हैं। लेकिन वो जब आपने शो ही नहीं किया तो क्यों आ पर थ्री में सर्विस करता कट कर दिया दोबारा में। है आया हुआ है ना उधर। बटन हो गए सर वो वही आ रहे हैं ना। यार अगर बटन पे जी इंडेक्स 1 दे दें तो लगता है सीएसएस का यूज कर वो चल रही है। इसको भी खोल देते हैं, जब तो इसका इश्यू ही नहीं है तो बंद क्यों कराओ। सी सेफ किया, माशाल्लाह से 1,000 बार तक आपने एक कितना है 1,000 बार तक आप इसको दे दे नाइन दोबारा। नाइन 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 दे दे। हाँ नहीं यार इतना देना नहीं चाहिए, गलत बात है। सर आप उन्होंने मॉडल का भी एक बात कर दिया हुआ है तो मैं उसको फिर जाके मैंने भी उसको बंद किया था तो आप अभी भी नहीं आ रहे कुछ ना कुछ। लेकिन 1,072 तक तो ऊपर की बात है सर, 1,06 एडिट बटन इज नॉट वर्किंग। तो ये आना ही नहीं चाहिए, आपने कहीं शो ही नहीं करवाया हुआ। फिर इंस्पेक्टर करें कहीं शो का कहीं गौर से तो नहीं क्योंकि आ मैंने रहा किसी और लाइब्रेरी का लिखवा दिया, बच्चे भाग जाएंगे। वो मटेरियल उसके भी तो वैसे ही सही है भागे वो हैं वो मटेरियल पे, मैंने देखा था। चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में ठीक वो लगा लेंगे, कोई मसला नहीं, वो हो जाएगा। स्टार्ट चलेगा ठीक ठाक सेम ही फंक्शनैलिटी होगी। अपडेट सेम करके वहां तक डेटा पहुंच गया। अब आगे अपडेट कैसे होगा? आपको फिल्टर भी पता है, आपको स्लाइड फिल्टर भी पता है। किया है उससे भी नहीं हुआ। देखिए नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा। फिल्टर में हम हमें एक चले आप बताएं फिल्टर में हम लोगों ने कौन सी दो चीजों को मैच करवा या मैच नहीं करवा। जो ईमेल मैच कर रहा है हमारे करंट इंडेक्स से, उसकी जो वैल्यू है उसको ओवरराइट मार दे। ईमेल से ईमेल और करंट इंडेक्स, और करंट इंडेक्स उसको उसमें जो है अगर वेब मैच फिल्टर करे नहीं किसी चलेगा आइटम से तो उसका जो आइटम नेम है
उसको ओवरराइट मार दे हमारी अपडेट वैल्यू से, ये काम कर देगा। तो वैल्यू से मल्टीपल भी तो देखते हैं, मल्टीपल इंडेक्स मल्टीपल नहीं होंगे, चेक तो नहीं है क्योंकि जैसे अब हमारे पास मैप में आया हुआ है आपको पता होगा ये तो बात करेंगे इंडेक्स आइटम की वाला देखो ना यार, ये देखो, ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। ये देखो, ये इंडेक्स है ना एरे के, इस इंडेक्स, उस इंडेक्स से अपने करंट इंडेक्स से मैच कराओ जिस पे क्लिक हो रहा है। अगर वो मैच करते हैं तो वैल्यू को ओवरराइट मार। नो, जिस इंडेक्स पे क्लिक हो रहा है एरे का जो इंडेक्स है आपस में मैच करते हैं तो वैल्यू ओवरराइट कर, दोनों 0 से शुरू हो गया। मैं ये नहीं देखूंगा अभी भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ डेटा लिस्ट पड़ी हुई है और वो है ये, ठीक है, 012, जिसपे क्लिक होगा उसका डेटा आपके। चलो एक काम करते हैं, मॉडल मॉडल की विजिबिलिटी तो बंद करी हुई है ना, सेव। ये इंडेक्स को मैच कराओ उससे, वैल्यू मैच कर दे तो वैल्यू ओवरराइट मारो, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? बारह ठीक है, अगर मैं अवेलेबल हुआ तो बिल्कुल।